न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष राधाकृष्ण विखे के बेटे सुजय पाटिल बीजेपी में शामिल। कांग्रेस को बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल होंगे। गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की अहम मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र के कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुजय पाटिल ने कहा, सीएम और बीजेपी विधायकों ने इस फैसले का पूरा समर्थन किया है। सुजय ने कहा, मैंने यह फैसला अपने पिता के खिलाफ लिया है। मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स इस फैसले का कितना समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगा ताकि मेरे माता पिता गर्व महसूस कर सके। सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी विधायकों ने मेरे इस फैसले का पूरा समर्थन किया। बाद में देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कहा, राज्य इकाई ने सुजय विखे पाटिल का नाम लोकसभा की उम्मीदवारी के लिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास भेज दिया है। हमें उम्मीद है कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड उनकी उम्मीदवारी को मंजूर कर लेगा। तो खबर में आज के लिए इतना ही। एमएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।